हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में सेफली रह रहे होंगे। मेरे होंठ फट गए, दिख रहे हैं आपको? काले भी हो गए हैं। इनमें लिपस्टिक नहीं लगी है, ये देखिए, नहीं लगी है ना? मेरे होंठ काले हो गए, मेरे होंठ फट गए, इतने फट गए कि ब्लड आने लगा है। ये लिपस्टिक नहीं अच्छी है, चेंज कर देंगे। ये लिप बाम मुझे सूट नहीं किया। बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं हमारे पास, होते हैं ना? आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी हो। मेरे होंठ कभी नहीं अब फटते, पहले फटते थे लेकिन अब नहीं फटते। तो मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे होंठ नहीं फटते? चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं कि मैंने क्या किया। और बिलीव करिए, गजब की रेमेडी है। सिर्फ 3 स्टेप करने हैं आपको, और नेचुरली पिंक, और कह सकते हैं वो बिल्कुल स्मूथ। आप अगर कोई सस्ती भी लिपस्टिक लगा रही है ना, तो महंगी वाली लिपस्टिक का लुक आएगा। क्योंकि लिप बाम आप जितनी देर यूज करेंगे, जितने दिन यूज करेंगे, सिर्फ उतनी देर ही फायदा करता है। उसके बाद प्रॉपर वैसा ही हो जाता है। और लिप्स ब्लैक मतलब काले होने का रीजन भी हो सकता है, या तो आप स्मोकिंग बहुत करते हैं, या तो आप चाय कॉफी अत्यधिक मात्रा में पी रहे हैं, या सनबर्न से भी हो सकता है, और हारमोन्स के चेंजिंग से भी होता है। अगर हारमोन्स की चेंजिंग से होता हुआ है अगर आपको, तो प्लीज़ आप पहले अपने डॉक्टर को दिखाइए। और अगर इन कोई और कारण है, जैसे स्मोकिंग है, या चाय कॉफ़ी का से है, या सनबर्न से है, या किसी और कारण से, तो ये रेमेडी फॉलो करिए, आपको वाकई फ़ायदा करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो मैंने किया आपको भी बताते हैं। तो सबसे पहले आप लेंगे फर्स्ट स्टेप में एलोवेरा। अब एलोवेरा आप मार्केट का भी ले सकते हैं, और घर का लगा हो तो घर का भी ले सकते हैं। मैंने घर का ही लिया है, मेरे घर में लगा हुआ है प्लांट, तो मैंने उसको काट लिया था, धुल लिया था और छील लिया था। आप भी किनारों को काट लीजिएगा क्योंकि उनमें कांटे होते हैं। और बस अब आप कहेंगे एलोवेरा एलोवेरा में आपको पता है कि उसमें खूब सारा पानी होता है, ये सभी को पता होता है। और उसमें पॉलीसेकेराइड नामक एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपके नमी देता है आपको। तो आपके होंठों को भी हाइड्रेट होना है, नमी चाहिए, तभी वो फटना बंद करेंगे। तो एलोवेरा लीजिए और उसमें थोड़ी सी चीनी डालिए। अब चीनी आप कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी है, तो उसको थोड़ा सा कूट लीजिए, पीस लीजिए, जैसा मन करे। और बस उसको उसके ऊपर फैला दीजिए और अपने होंठों पे 2 मिनट मसाज करिए। तो स्क्रब का काम भी करेगा, आपके होंठ हाइड्रेट भी हो जाएंगे, नमी जिनको मिलेगी, और आपकी जो ये ऊपरी फटने से ऊपरी परत जो डेड हो गई है वो भी निकल जाएगी। तो बस उसको आप पानी से या तो धो लीजिए, या तो आप किसी कपड़े से साफ कर लीजिए। सेकेंड स्टेप, आप लीजिए बादाम की गिरी, आप उसको रात में भिगो दीजिए, सुबह उसका छिलका उतार दीजिए और उसको किसी में घिस लीजिए, या घिस लीजिए या पीस लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए, बादाम विटामिन ई होता है बादाम में, और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी आपको पता है एंटीबैक्टीरियल होती है, और ये होठों के लिए पिंक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए। अगर किचन वाली हल्दी डालें तो बिल्कुल थोड़ी सी, अगर आप कस्तूरी हल्दी डाल दें तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। अब उसमें थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप लेमन जूस डालिए। आप कहेंगे लेमन जूस नहीं फ़ायदा करता है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में कोई चीज़ नुकसान करती है, लेकिन एक लिमिट में जब होती है तो वो नुकसान नहीं करती है। और नींबू आपको पता है कि ब्लीचिंग का काम भी करता है। तो हम तीनों को मिक्स करिए और 2 मिनट के लिए मसाज करिए। मसाज करने के बाद इनको पानी से वॉश कर लीजिए या कपड़े से साफ कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। और ये काम ना आप शाम को करें तो ज़्यादा अच्छा है, जब फुर्सत में हो। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, थर्ड स्टेप जो आपको करके सो जाना है, वो क्या है? वो आप लीजिए बादाम का तेल। पहले हमने ली थी बादाम की गिरी, क्योंकि वो थोड़ी सी दर्दरी हो सकती है, लेकिन बादाम का तेल बिल्कुल नॉर्मल होता है, आप उसको लीजिए। उसमें थोड़ा सा क्या मिलाएंगे आप? एलोवेरा मिलाइए और दोनों को मिक्स करिए, और जेंटल हाथों से। और ये सारे काम आपको जेंटल हाथों से करने, ये नहीं रगड़ दिया तो बस रगड़ ही दिया, आपको बिल्कुल नॉर्मल हाथों से इनको मसाज करनी है। कम से कम
थ्री टू फाइव मिनट आपको करनी है। अब बस साइड साइड में लग जाता है ना, तो इसको हटा दीजिएगा, लेकिन ओंठ वाला, लिप्स वाला आपको नहीं हटाना है, और बस लगा के आप सो जाइए। बिलीव करिए ये 3 स्टेप हैं, आप कंटिन्यू करेंगे, जैसे भी आपके ओंठ ब्लैक हो गए हों या आपके फट रहे हों, आप कंटिन्यू ये रेमेडी फॉलो करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा, ना फटेंगे ना काले होंगे। लेकिन शर्त यही है कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो एकदम से तो नहीं छूटेगी, धीरे धीरे कम कर दीजिए, करते करते छूट जाएगी। और चाय कॉफ़ी का सेवन आप थोड़ा कम करिए सुबह शाम, ठीक है, लेकिन अब कुछ लोग होते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर में पीते हैं, तो वो थोड़ा कम कर दें। सनबर्न है, आप सनस्क्रीन लगा के जा सकते हैं, क्योंकि अगर जाना तो है ही है, जिसको जाना है उसको जाना ही है भाई, काम है तो वो तो करना ही पड़ेगा, तो आप सनस्क्रीन लगा के जा सकते हैं। फेस पे लगाते हैं वैसे, ओंठ पे भी लगाइए, लिप्स के सनस्क्रीन आते हैं, आप देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑफलाइन देख सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए भाई। सुरक्षा करेंगे तभी आपको चीज़ें मिलेंगी, तो पूरी तरह से आप कंप्लीट अपने अपनी ब्यूटी की ड्यूटी करिए, तो सब कुछ ठीक रहेगा। और सारी लिपस्टिक, चाहे वो सस्ती हो या महंगी हो, हाई क्वालिटी की हो या किसी बहुत ज़्यादा, भाई कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा फेमस वाले ब्रांड की हो चाहे लो ब्रांड की हो, आप कोई भी लगाएंगी ना, मस्त वाला लुक आएगा। और अगर आपके ओंठ ही नहीं सही रहेंगे तो क्या लुक आएगा, तो पहले अपने ओंठों को ठीक करिए, उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।